वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं अर्शाद अली। मैथमेटिक्स का वीडियो लेसन हमारा 20 देख रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर में जो एक टॉपिक है सर्कल, उसके नए कॉन्सेप्ट को और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम में। बहुत पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, तो इनको यहाँ से करेंगे बहुत ईजिली। आप यूपी टैट, KVS, CTAT, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहद खास हैं हमारे कोर्सेज। चलिए, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जो कि जीएस और मैथमेटिक्स के हैं। 24 कोर्सेज हैं, लाइव हो चुके हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में सर्च करेंगे इरशाद अली तो भी आप हमारे कोर्सेज पर आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम जो एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपने सर्कल पढ़ा, ठीक, उसके बाद सेमी सर्कल पढ़ा। ये होता है सेमी सर्कल, ठीक। सेमी सर्कल क्या होता है, जो आपकी जीवाएँ होती है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, डायामीटर होता है, ठीक है। इस डायामीटर से जो ऊपर का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन, ये दो हिस्सों में बांट देता है इसको, तो ये सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है। कौन डायामीटर, इसको अगर देखें कहीं से भी एक डायामीटर बना दीजिए, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक, जो कि सेंटर होगा उसका, सेंटर से जाना चाहिए वो, ठीक। तो एक सेमी सर्कल हमारे पास है, ठीक, या तो बड़े में ही रहने दीजिए। तो ये ऊपर वाला भी सेमी सर्कल, नीचे वाला भी सेमी सर्कल, जब सेमी सर्कल ऐड होंगे तो ये एक पूरा सर्कल बनेगा। तो इसमें मान लीजिए हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, और जो कि सर्कमफ्रेंस को छू रही है परिधि को, और दूसरी ओर ड्रॉ कर ली यहाँ ऐसे, ठीक। तो इसमें जो ये एंगल फ्रेम होगा ना, ये वाला जो सर्कमफ्रेंस पर होगा दोनों ये लाइंस के बीच में, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये आपको याद रखना है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री होगा। चाहे ये फिर से यहाँ पर बना दीजिए और यहाँ से बना दीजिए, ये भी 90 होगा। ऐसे ही मैंने बनाकर दिखाया यहाँ, ये देखिए ये सेमी सर्कल है आपका, सेमी सर्कल है ऊपर स्क्रीन लाइन से ऊपर। तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, एंगल जो बनेगा ये 90 होगा हमेशा। यहाँ ये एंगल 90 होगा और ये एंगल भी 90। इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कितने भी एंगल बना लीजिए 90 के ही बनेंगे आप सेमी सर्कल में, ठीक है। ये आपको याद है 90 डिग्री। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है, ये सर्कल है, सर्कल में कभी भी जब आपको यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से ये एंगल अभी बना था, ये कुछ और एंगल अगर दिया हो आपको, ठीक है, ये तो यहाँ पर जो है ये एंगल जो भी होगा थीटा, जो भी सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा होगा, और अगर आपको देखना है सेंटर पर कितना एंगल होगा, तो ये जितना एंगल ये होगा ना उसका दोगुना बना होगा। कहाँ पर, ये किस पर, सेंटर पर। आप इस तरह समझ लीजिए, ये कोई आर्क है इतनी, यहाँ से ये दो लाइनें हैं, ठीक, ये आर्क फ्रेम कर रही है, छोटी आर्क है, ये माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क में जो एंगल बना होता है, अगर आप मेजर आर्क कौन सी हो गई, ये वाली पूरी मेजर आर्क हो गई यहाँ तक, तो मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा सेंटर पर, वो हमेशा दुगुना बनेगा माइनर आर्क का, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो यहाँ टू थीटा हो जाएगा, ठीक, समझ गया आप। अगला देखिए, और यही कॉन्सेप्ट है फिर से, ये देखिए अगर यहाँ पर ये कभी एंगल जितना यहाँ बना हुआ थीटा बना हुआ है, और इसी लाइन से अगर आप सेंटर पर ड्रॉ करेंगे एंगल, तो वो टू थीटा यानी दोगुना हो जाएगा। ये थीटा है ना कि जीरो है, ठीक है, टू थीटा, तो दुगुना होगा यहाँ जो भी सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनेगा, और सेंटर पर, सेंटर पर हमेशा दुगुना रहेगा, दुगनी पावर होती है। आप ये समझ लीजिए, जैसे क्या स्टेट है, स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के मुकाबले गवर्नमेंट की पावर दुगनी या डबल मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यह सेंटर है, ये सेंटर पर हमेशा दुगना एंगल बनेगा, यहाँ जितना भी होगा ना, यहाँ जितना भी होगा, यहाँ ये सब उसका दुगना होगा सेंटर पर, ठीक। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो ये माइनर आर्क में बना हुआ अभी क्या हो गया, ये जस्ट डबल हो गया, लेकिन सेंटर पर आपको याद रखना कि डबल एंगल होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो अभी हमने ये किया था सेमी सर्कल में, अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर यहाँ पर है, तो ये क्या है, अभी सेमी सर्कल में नहीं बना है। अब क्या किया है हमने, इस सेमी सर्कल में एक जीवा आई, पहले जीवा हमारी सेंटर पर थी तो डायमीटर थी, अब ये जीवा हमारी अगर नीचे ले लेंगे तो ये जो एंगल बनेंगे ना इस बार, अब ये ऐसे ही वाले एंगल, अब ये 90 के नहीं होंगे, ठीक है, कुछ और हो सकते हैं, बट ये इक्वल होंगे, जितने भी होंगे ना वो सब बराबर होंगे, कितने भी एंगल बने, पहले हमारे 90 के बन रहे थे अगर इसको सेमी सर्कल में ड्रॉ कर रहे थे, बट अब अगर ड्रॉ करेंगे ये जीवा सेंटर पर ना होकर नीचे आ गई, तो ये सारे एंगल 90 के तो नहीं होंगे, बट इक्वल जरूर होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये 20 का है तो ये भी 20 का, ये भी 20 का, इस तरह से कितने भी एंगल फ्रेम कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्वेश्चन बनता है आपका, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं इसको। तो कोई भी चार साइड की वाली भुजा एक आकृति जो होती है, जिसमें चार शीट्स यानी वर्टेक्स होते हैं, ये कॉर्नर इनको क्या बोलते हैं, ऐसे अगर चार शीट्स होते हैं जिसमें और चार साइड्स होती हैं, तो उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ठीक। तो ये हो गया चतुर्भुज, और किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों ओर यानी वर्टेक्स, उसके शीट्स अगर कोनों को उनके सर्कल के सर्कमफ्रेंस छूता है कोई किसी सर्कल में, मान लीजिए ये हमारे पास क्या था, ये
एक क्वाड्रिलेटर था, इसके चारों कोनों को एक सर्कल का सर्कमफेरेंस छू रहा है, टच कर रहा है, तो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस तरह की शेप आपको जब भी मिलेगी दिखाई देगी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। चलिए अभी इसकी जो एक प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टली भी पूछी जाती है और इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों कोनों को छू रहा है। और जो इसके आमने सामने वाले, ये देखिए मैंने नाम रख दिए इन कॉर्नर्स के, ए बी सी डी, तो जो बी एंगल है, ये बी एंगल आप देख रहे हैं, ठीक, ये वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, तो ये इनको अगर आप आपस में सम करेंगे, बिल्कुल अपोजिट एंगल, सामने वाले एंगल, तो उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे इसका ए और सी का जब आप सम करेंगे तो इसके सम एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री, यही बात कही है या यही बताई। तो एक्स प्लस वाई, तो ये एंगल एक्स था और प्लस वाई, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये अपोजिट एंगल है, तो कितना आएगा, 180 डिग्री होता है ये। ठीक है, ये फिक्स्ड प्रॉपर्टी है इसकी, या ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एंगल को अगर आप लिखना हो किसी, तो एंगल को ऐसे भी लिखते हैं, या फिर एंगल बी और एंगल डी अगर ऐड करेंगे तो 180, मतलब बात एक ही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, देखिए चक्रीय चतुर्भुज के आंतरिक विपरीत कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये देख लीजिए ए और सी वाला जो था उसका भी कितना है, 180 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है आपको, अभी डिस्कस किया था ये प्रॉपर्टी हमने। देखिए ये सर्कल दिया हुआ है, एक सेंटर पर एक्स डिग्री एंगल है और ये एक डिग्री ये दे रखा है किसमें, एक माइनर आर्क में 100 डिग्री बन रहा है। मैंने बताया था सेंटर पर जो है जितना भी एंगल सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है यहाँ परिधि पर, तो उसका दुगुना बनेगा आपका सेंटर पर, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 200 डायरेक्टली। प्रॉपर्टी यूज़ करिए मेजर सेक्टर में बना कोण, मेजर सेक्टर मतलब यही हो गया, ये मेजर आर्क, इसमें बना कोण केंद्र पर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर में बना कोण यानी सेंटर पर बने कोण जो है उसका जो है दुगुना होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको लाइन को सही कर लीजिए, मेजर सेक्टर में बना कोण सेंटर पर बनेगा, जो बनेगा कोण ये क्या है, उसका दोगुना होगा। ठीक है, इसको लाइन को सही कर लीजिए, जो सर्कमफ्रेंस पर जो कोण बना है उसका दोगुना होता है सेंटर पर। ठीक, तो एक्स डिग्री इक्वल टू गया 2 × c, यानी सी कौन सा एंगल है, ये है, तो 2 × 200। ठीक, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, तो सेंटर पर जो बनेगा कोण वो दोगुना होता है, सेंटर पर जो कोण है उसका किसका, सर्कमफ्रेंस पर बने कोण का दोगुना, एक छोटा सा वर्ड ऐड कर लीजिएगा उसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ एक्स आपको बतानी है, एक्स कहाँ है पहले ये देख लीजिए, और ये आपको जहाँ ओ मिलेगा अगर लिखा हुआ है, ये देखिए ओ लिखा हुआ, तो ये सेंटर है, मतलब ये आपका डायमीटर है। ठीक है, तो ये क्या बात हो रही है, वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, एक्स ये रहा, और आपको बताना क्या है, इस एक्स की वैल्यू बतानी है, और ये चीज़ें किस में दी हैं, ये सेमी सर्कल में दी हुई हैं, क्योंकि ये आपको पहचानना है, सेंटर से अगर ऊपर दी गई हैं सारी चीज़ें, ये आपकी बात चल रही है सेमी सर्कल की, तो आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, और पता है तो कर लेंगे, वही अभी डिस्कस की थी। जब एक्स की वैल्यू बतानी है, हमारे पास एक एंगल ये दे रखा है, और ये एंगल हमें पता होता है जब हाफ सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 हो गया, 56 ही हो गया, ये एक्स हमें पता करना है। तो कोई ट्राइंगल होता है हमारे पास, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 का होता है, ये मैंने लिख भी दिया है, त्रिभुज ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये इनको ऐड करोगे तो 180 डिग्री होता है, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो इनको ऐड कर दीजिए, एक्स प्लस 56 प्लस 90, इनको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 190 और 56 कितना होगा, 146, और ये 180 इक्वल है इसके। ठीक, इसको इधर भेज दीजिए तो डायरेक्टली घटा दीजिए, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 34, तो ये इसका कितना है एंगल, ये देख सकते हैं आप, 34 एंगल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, देखिए वही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हैं, यहाँ भी आपको वैल्यू ऑफ एक्स ही बतानी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, एक्स कहाँ पर है, ये सेंटर पर बना हुआ एंगल है, सेंटर पर बना हुआ एंगल क्या होता है, दुगुना होता है किस चीज़ का, जो आपका सर्कमफ्रेंस पर एंगल बना हुआ है, सी, यानी एंगल सी का दुगुना होगा। बट एंगल सी तो हमें पता ही नहीं है, एंगल सी को हम कैसे निकालेंगे, एंगल सी को तो यहाँ देख लीजिए, इसको फिर से ड्रॉ किया है मैंने, और यहाँ पर क्या है, आपको पता है ये सेंटर है इसका, वो इस सेंटर से या सर्कमफ्रेंस पर इसकी सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, इसकी रेडियस, ये भी रेडियस है। ठीक, बट ये क्या है, ये कॉर्ड है, ये जीवा है। ठीक है, ये भी जीवा है, ये रेडियस नहीं है, तो ये दो लाइनें बराबर हैं। अब आप क्या करेंगे, काम करेंगे यहाँ पर, ये हमने ड्रॉ कर ली यहाँ ऐसे, और जब आप इस सेंटर से इस सी को मिलाएंगे तो ये भी तो रेडियस ही होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि रेडियस से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस वो कहलाती है क्या, रेडियस। ठीक है, तो ये होगी रेडियस, तो ये देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी ये आर है यार, ये दोनों बराबर हैं, और ये
ऐसी है जो जीवा है, इसकी लंबाई हमें नहीं पता है। तो जब इस तरह की है, दो साइडें बराबर हैं, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला ये एक ट्रायंगल बन गया। तो इसमें क्या है, दो भुजाएं बराबर हमें दिख रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं, ठीक है। ये दो भुजाएं बराबर, दो साइड बराबर दिख रही हैं, दोनों आर आर थी, ठीक है, ये वाली आर थी, ये वाली आर थी। तो जब कभी ऐसा होता है तो इस तरह के जो ट्राइंगल होते हैं जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो साइड बराबर होती है, उन्हें कहते हैं समद्विबाहु, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या है, ये तीसरी भुजाएं ए बी ऐसे ही लिख दी मैंने, और ये दो भुजाएं बराबर हैं पाँच पाँच की, कोई भी हो सकती हैं, छः हो सकती हैं, सात हो सकती हैं, दोनों पाँच पाँच की होती, छः की हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो जब ऐसा कभी कंडीशन आती है तो ये वाले जो एंगल होते हैं ना, ये जो एंगल होते हैं जो फ्रेम हुए होते हैं बराबर वाली भुजाओं से, ये बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ठीक। वैसे ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमें यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, रुक जाइए अभी, ठीक, यहाँ देख सकते हैं कहाँ है, क्वेश्चन बदल गया। ये देखिए, ये आपको ये मिल गया, ये मिल गया। तो ये क्या है, जब ये एंगल 20 है तो ये एंगल भी आपका 20 ही होगा, ठीक। एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा, ऐसे ही यहाँ पर भी ये आर है, ये भी आर है, तो ये भी दूसरा एक ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर होती तो उनके एंगल भी बराबर होते हैं आपस में। ये 25 का है तो ये भी 25 का ही होगा, हाफ बचा हुआ, ठीक है। इसको समझ लीजिए, मतलब ये तो हो गया हमारा 20 इधर से, और ये यहाँ तक का ये हो गया हमारा यही वाला 25। तो ये दोनों एंगल जब आप ऐड करेंगे इसको, तो ये एंगल सी आया कम्प्लीटली, 20 और 45 कितना हो गया, एंगल सी कितना हो गया, 20 और प्लस 25, सॉरी वो 45 हो जाएगा, ठीक है, टोटल एंगल। तो ये हो गया टोटल एंगल 45। अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं सेंटर पर कितना एंगल बना, 2 × c, यानी दुगना उसका। तो डायरेक्टली 45 का दुगना आपको 90 पता है, डायरेक्टली लिख देंगे, और इसको करने की भी जरूरत नहीं थी, इस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। डायरेक्टली आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना, ठीक है, तो आप डायरेक्टली बता देंगे इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, अब इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपको बतानी है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ ऐसे करेंगे, वैल्यू एक्स कहाँ है, पहले एक्स देख लीजिए, ये है, ठीक। अब दोनों तीनों प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल हो जाएंगे, ये सेंटर है, यानी ये बात ऊपर की चल रही है, सेमी सर्कल में पहुँचा दी ये चीज़ें इसने, ठीक है। तो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, बिकॉज क्वाड्रिलेटर के चार कॉर्नर है और जो सर्कल की परिधि है इसको टच भी कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, साइक्लिक है। तो ओपोजिट साइड के एंगल इसका सम जो है वो बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल इसका, ये वाला एंगल का सम बराबर होगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम बराबर होगा, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और बन रही है, और ये सेमी सर्कल में बना हुआ है एक चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेंटर यहाँ दिया हुआ है, तो ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त में बना एंगल ये 90 डिग्री का हुआ, ये हमें पता चल गया यहाँ से, ठीक, क्योंकि हमने जो है प्रॉपर्टी पता है ये, तो इसी से इसी की मदद से ये सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, और हमें एक चीज़ और पता है, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम जो है यहाँ 90 नहीं 180 होता है, ठीक है, ये मिस्टेक है, यहाँ 180 कर लेंगे, ठीक। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अभी क्या करेंगे आप, तो त्रिभुज हम एक सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा त्रिभुज ले लीजिए, देखिए हमें 90 पता है ये, और दूसरा चीज़, एक और चीज़ हमें पता है, ये 90 पता लग गया और ये एक्स हमें पता करना है, बट ये वाला एंगल हमें कैसे पता लगेगा, हमें तो पता ही नहीं है इसका। तो आप क्या करेंगे, सामने का एंगल 120 दिया हुआ है, तो हमने बताया था कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में। अगर 120 120 में कितना ऐड करेंगे, 180 यहाँ पर, 180 हो जाए दोनों का सम, 60 एंगल और ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो इन दोनों का सम 180 आ रहा है। या फिर ऐसे कर लीजिए, एंगल सी और एंगल, सॉरी यहाँ पर देखिए एंगल बी और एंगल डी है ये, ठीक है, यहाँ एंगल, ये एंगल डी है, ठीक। तो 120 यहाँ रख दीजिए, और ये बी आपको पता करना है, और ये 180 होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, तो 120 प्लस बी इक्वल टू 180, तो इस बी को इधर भेज देंगे तो ये 60 बच जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ओरली भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये 60 पता लग गया, अब 60 जब पता है, 90 पता है, और ये एक्स एंगल पता है, हमें पता है जब तीनों का सम करते हैं किसी आप किसी सर्कल सॉरी किसी आप ट्राइंगल में जब सम करते हैं इंटरनल एंगल्स का, तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसको डायरेक्टली 90 प्लस 50 करेंगे, 180 हो जाएगा, उधर 180 में से माइनस कर देंगे 150, तो 30 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन आपका, अगला देखिए। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वही क्वेश्चन है फिर से। मैंने देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर दिए आपको इस तरह के। तो ये मैंने बताया था जो कॉर्ड है, अगर वो सेंटर पर नहीं है, नीचे है, तो जितने भी एंगल ऊपर बनते हैं,
इसमें आपको एक्स की वैल्यू बतानी है इसमें भी, ठीक है। तो ऊपर जो एंगल बनेंगे वो 30 के ही होंगे, ठीक। तो ये भी 30 का हो जाएगा क्योंकि ये भी 30 का बना हुआ है, यहाँ दे दिया है डायरेक्टली, तो ये भी 30 का हो जाएगा। और अब क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ये वाला ट्राइंगल आप ले लीजिए। तो इसमें एक 70 एंगल, एक 30 है और एक ये पूरा कंप्लीट एक्स है। तो 70 और 30 100 हो गए, 100 100 एंगल और 180 होता है टोटल सम। 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही करना है, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये ओ सेंटर है और ये अर्धवृत्त में एक एंगल बना दिया है। यहाँ पर अर्धवृत्त में पता है आपको ये 90 डिग्री का होता है, ठीक। इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू ही पता करनी है, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, जो 90 डिग्री दे रखा है आपको, देखिए एंगल पी जो है वो क्या है, सेमी सर्कल में है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री का होगा। और त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी इस वाले त्रिभुज में ले लीजिए आप, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, 35 हो गया। तो ये एंगल कितना जाएगा, ये एंगल आएगा आपका कितना, यहाँ से निकाल लीजिए कैलकुलेट करके, ये एंगल ए 55 आएगा आपका, ठीक है। 55 आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, जब 55 मिल गया तो अभी ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ये जीवा है और जीवा के ऊपर ये जो एंगल बनेंगे, ना कि सेंटर के बाहर पहुंच गई ये जीवा आप, ठीक है। तो ये जो एंगल होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो आप इसको जब देखेंगे यहाँ उल्टा करके, ये जीवा है, इस पर जो एंगल बन रहा है ये और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। और ये 55 आ गया हमारा, तो ये भी एक्स डायरेक्टली 55 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया आपको, और रिलीव भी कर सकते हैं आप इन क्वेश्चन को, ठीक। तो ये ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल हो गया, ठीक। यहाँ पर तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल के क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच।